अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राणा ने हमसे शादी की है। उको बोलती वो गलती से पड़ा हो या गंगा भैया की बरसी से, हमारी मांग में राणा के नाम का सिंदूर तो पड़ गया है ना अपनी माँ के। अब इस सिंदूर की कीमत चुकानी होगी ना। जब तक राणा ठीक नहीं हो जाते अब कहीं नहीं जा सकती। तेरी भूल गई, राणा को तूने अपना बदला चाहिए था इसीलिए ब्याह रचाया। अब बस एक बार हमारे क्यों हमारे राणा से प्यार करने लगी हो? जवाब दो, हमारे राणा से प्यार करने लगी होगा? करते तो ये जबरदस्ती का रिश्ता जल्दी ही टूट जाना चाहिए। और एक बात याद रखना, हमारे राणा के आंसू हमारा खजाना है। तो राणा के दिल में इतनी नफरत पैदा करना कि तेरे जाने के बाद हमारा खजाना खर्च ना हो। रोशनी, रोशनी कहाँ हो? कुछ बोल कह नहीं रही। और अगर ऐसा नहीं किया तो तू जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। बेहतर है जल्द से जल्द इस घर से समझी। माँ साहब को हमने अपनी बातों में उलझा दिया मधुबाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं लच्छू के पापा। अब कैसे भी करके इस लड़की को घर से बाहर निकालना है। बस चल। रोशनी का हुआ मदद रखने का? तुम तो रूम में थी नहीं, हम कब से तकिया से बड़बड़ा रहे थे। बुद्धू ठीक है, अभी तुम आ गई। ऐसे गई कहां थी? छोड़, तुम आ गई अभी तुम्हारे साथ खेलेंगे। आओ ना खेलते। हमें नहीं खेलना। चलो ना खेलते हैं। क्या हमने कहा ना हमें नहीं खेला? रोशनी से शोरने का ही बन गई, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको कोई बात समझ में नहीं आती। हम कह रहे हैं ना हमें नहीं खेला है। अभी हमें बोर करना बंद कर दीजिए और चुपचाप सोने जाइए। अब जा रहे हैं सोने। तू हमारे बेटे का दिल दुखाएगी, दिल में नफरत पैदा करेगी। अरे मीठी,
वो पता नहीं कैसे हम खो गए थे। तू तो खोए हुए को भी घर वापस लेकर आए रोशनी बेटा, मेरे राणा की रोशनी। मैं जानती हूं कि अभी भी इस घर में कई लोग ऐसे हैं जो इस शादी को गलती मानते हैं, पर तू देखना, वो लोग भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि शादियां गलती से नहीं, माता रानी की मर्जी से होती है। तू अपना दिल छोटा मत करना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हमेशा बहुत लंबा समय होता है माँ, हमें तो उससे पहले ही इस घर से जाना पड़ेगा। लगता है रोशनी अभी भी नाराज है। कोई बात नहीं, हम मना लेंगे। नाराज हो, तुमसे बात भी नहीं करोगी। जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लीजिए, हमें बहुत काम है। ठीक है, हमारे कपड़े निकाल दो प्लीज, तो हम जल्दी। ठीक, सब कुछ हम क्यों करें? आपकी अलमारी से आप कपड़े भी नहीं ले सकते क्या? नहीं, वो हमेशा तुम ही निकालती हो ना कपड़े हमारे लिए, इसीलिए। हमेशा जो करते हुए आ रहे थे वो अब नहीं होगा राणा, आपको आपके खुद के काम खुद से करने होंगे, आपको आदत लगानी होगी। आपकी अलमारी है, आपके कपड़े हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो मर्जी में आए पहन लीजिए, अब आपकी नौकरानी नहीं है। कितनी अच्छी हो रोशनी, बाकी सबको हमारी इच्छा की परवाह ही नहीं। वो कहते उठो तो उठ जाता हूँ, वो कहते सो तो सो जाता हूँ, उनकी मर्जी का खाना खाता हूँ, वो खेलता भी उन्हीं के मर्जी से हूँ। जैसे मैं कोई वो चाबी वाला गुड्डा हो, सिर्फ तुम ही हो जिसको हमारी मर्जी की परवाह है। हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो रोशनी। आप सबसे अच्छे हैं राणा, सबसे अच्छे, इसलिए हमारी बदतमीजी कभी पूरा नहीं मान रही है, हमसे तो अच्छे बने रहने का ऑप्शन ही छीन लिया। हमें छोड़ दीजिए। रोशनी बीबी नाराज है।
हम उनके फेवरेट रंग का कपड़ा पहनेंगे, खुश हो जाएंगी। मुझे घर के बाहर नहीं निकाला, नफरत के बीज बोने में इतना वक्त लगता है का? कोशिश कर रहे हैं। अरे कोशिश नहीं, भांजे के साथ बदतमीजी करो, बदतमीजी समझी? बदतमीजी आपके भांजे की तबीयत ठीक नहीं है, आपके प्यार की, आपके साथ की जरूरत है, और आप कह रहे हैं कि हम उससे बदतमीजी करें? नहीं, ये पापा से नहीं होगा। बेटी, बेटा रो क्यों रही हो? ए, और ये किताब कैसे फट गई? देखिए ना दामाद जी, खुद से किताब फट गई, अब रो रही है। हम कब से समझा रहे हैं कि रोना बंद कर, पर हमारी बात तो मानती ही नहीं है। आप ही समझाइए कि रोना बंद करे और हमारी बात मान ले। बेटी बेटा, तुम हमें इस किताब का नाम लिख कर दे दो, हम आज ही नई किताब मंगवा देंगे। अब खुश? हाँ, अब रोना बंद करो। थैंक यू बेटा, हम और सुमन किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो तुम राणा को चेकअप के लिए ले जाओगी? जी। थैंक यू बेटा, हम ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी निकाल दे, तुम राणा को लेकर नीचे आ जाओ। रो मत। दामाजी ने तुझे एक और मौका दिया है नफरत के बीज बोने का, अगर आज तूने हमारा काम नहीं किया तो हम तुका कभी माफ नहीं करेंगे।
डॉक्टर अंकल के पास तो बीमारी की दवाई होती है, तो शायद उनके पास तुम्हारी ये मूड खराब होने की भी दवाई होगी। डॉक्टर अंकल से मांगे क्या? हमारा मूड ठीक है, आप थोड़ा दूर बैठिए। राणा की तबीयत में भी पहले से काफी ज्यादा सुधार है। सच? थैंक यू कंगा भैया, थैंक यू, थैंक यू। लगता है तुमने इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक इनका ऐसे ही ख्याल रखिए जैसे आप रखते आए हैं। मैं कुछ नई दवाइयां लिख के दे रहा हूं। समझ ने तुझे एक और मौका दिया है नफरत के बीज बोने का। भैया ये दवाइयां देना। थैंक यू। जल्दी चलो ना, माँ को बताना भी तो है कि डॉक्टर अंकल ने बोला हम तुम्हारी वजह से जल्दी ठीक हो रहे। कहाँ हुआ शाना? ये दवाई लेकर घर जाइए, हमें काम है, हम बाद में आते हैं। चली गई रोशनी। रोशनी कहाँ चली गई? हम अकेले हैं यहाँ पे। नहीं, हम लगने ही नहीं देंगे। दोस्त बन के नहीं तो साया बन के आपके साथ रहेंगे और आपको सेफ रखेंगे। रोशनी, रोशनी को देखा क्या? नहीं। तुम कहीं भी छुप जाओ रोशनी, हम तुमको हमेशा ढूंढ लेंगे। इसी आदत को तो बदलना है राणा। हमें भूख लगी है, चलो अभी घर चलते हैं और फिर उसके बाद आगे का खेल वहीं खेलेंगे। हाँ छोड़िए हमारा।
हम आपको कल से कह रहे हैं ना, हमसे बात मत करिए, हमें आपके साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको समझ कब आएगा? फिर से शोरनी काय बन गई। हमको नहीं पसंद जब तुम हम पर ऐसे चिल्लाती हो। चलो अभी। वो आपका घर है, आप जाइए। हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं। दोस्त तो हम है रोशनी। Hi, I am Meethi. Hey, Meethi, do you want something? Please, रखो यार। Thank you. Meethi, काफी स्वीट नाम है। Thank you. अरे मीठी, इतना शर्माओगी तो फिर हमारी दोस्ती कैसे होगी? मीठी कुछ नहीं है, उल्टा कुछ नहीं है। हमसे दोस्ती कर लो।